ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। पद्म पुराण कहती है कि सुबह ही सुबह जब हम भगवान को नहलाते हैं और जब भगवान के शरीर से पानी टपक रहा होता है या भगवान गीले होते हैं, जब पानी टपक रहा होता है तो उस समय भगवान को चंदन नहीं लगाना चाहिए, सूती कपड़े से पोंछकर ही भगवान को चंदन लगाना चाहिए। ग्रंथ कहता है कि जिस सूती वस्त्र में हम भगवान को पोंछते हैं, जब कपड़े में जितने धागे होते हैं सूक्ष्म रूप से, जो व्यक्ति भगवान को उस कपड़े से पोंछ रहा होता है वह जीव उतने ही दिन भगवान की चरणों में रहता है जितना कि इस वस्त्र में धागे होते हैं। ग्रंथ कहता है कि रुई की बत्ती बनाकर जो आप दीप जलाते हैं या दीपदान करते हैं उसकी बड़ी अद्भुत महिमा है। ग्रंथ कहता है कि मृत्यु के तत्पश्चात यदि कोई गया जी में पिंडदान नहीं कर पाता तो जो देवताओं को रुई की बत्ती की जो जला कर गए हैं, मरने के बाद उन्हें पिंडदान की जरूरत तक नहीं पड़ती। आप अक्सर देखते होंगे कि पंडित जी आचमन करवाते हैं पूजा में, या फिर हम लोग भी जब पाठ करते हैं तो सबसे पहले आचमन करते हैं। ग्रंथ कहता है कि उस समय जो 3 बार आचमन किया जाता है तो सबसे पहले बोला जाता है केशवाय नमः, फिर बोला जाता है माधवाय नमः, फिर बोला जाता है नारायण नमः। ग्रंथ कहता है कि उस समय जो 3 बार आचमन किया जाता है वो साधारण पानी नहीं बल्कि सीधे अमृत की बिंदु होती है। ये पद्म पुराण में वर्णित है। सबसे पहले बोला जाता है केशवाय नमः, इसका मतलब होता है कि हे भगवान हमारे बुरे आचरणों का हनन कर लो। फिर बोला जाता है माधवाय नमः, हे प्रभु मेरे अंदर ज्ञान का भंडार भर दो। फिर कहा जाता है नारायण नमः, हे प्रभु आप मेरे अंग अंग रोम रोम में आकर विराजित हो जाओ। तो जब हम पूजा पर बैठते हैं तो इसीलिए आचमन किया जाता है। जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो 5 बार आचमन किया जाता है। रोज की पूजा में हमें 3 बार ही आचमन करना, क्योंकि जो आचमन किया हुआ जल है जब आपके अंदर जाता है तो वो जल नहीं बल्कि अमृत जाता है। तो इस जल का वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात पद्म पुराण में वर्णित है, कहा जाता है कि जिस समय आप पूजा के समय 3 बार आचमन करते हैं उस समय आपके हृदय में पितर आकर बैठ जाते हैं। जितना कि पितर पक्ष में उनको जल मिलने से संतुष्टि मिलती है उससे कई गुना अधिक आपके आचमन करने से उनको संतुष्टि मिल जाती है। ऐसा भी पद्म पुराण में वर्णित है। हर हर महादेव।